हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम लोग लैंगचेन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड हम लोग जानेंगे कि बेसिक एग्जांपल के साथ कि लैंगचेन क्या होता है एंड क्यों लैंगचेन का डेवलपर यूज करते हैं। तो गाइस, लैंगचेन जो है ना, इसका यूज डेवलपर LLM के टॉप में एप्लीकेशन बनाने में करते हैं। LLM का यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो और लैंगचेन क्या करता है, उस प्रोसेस को बहुत ही ईजी कर देता है। तो गाइज, LLM का यूज करके लाइक ChatGPT और Gemini का यूज करके हम लोग को एक जनरल आंसर मिल जाता है। लेट से आपके पास एक लैपटॉप का शॉप है और आप एक लैपटॉप का उसको प्राइस पूछे, तो आपको उस लैपटॉप का तो वो प्राइस एक रेंज में बता देगा। लेकिन आप जो लैपटॉप सेल करते हो, लेट से आपने कोई लैपटॉप सेल कर रहा है एसर का एंड आप उसको बोल रहे हो कि इस मॉडल का क्या प्राइसिंग है, और आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग आप जो एक डॉक्यूमेंट बना के रखे हो अपने लैपटॉप के सेलिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस बताए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो एक PDF है, जो एक लिस्ट है प्राइसिंग का, उसको आपको LLM के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए जनरल प्रोसेस क्या होगा, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है ना, उसको उस डॉक्यूमेंट को LLM के साथ इंटीग्रेट करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आता है यहाँ पे लैंगचेन। लैंगचेन क्या करता है, इस प्रोसेस को, ये जो बीच वाला प्रोसेस है ना, जो हम अभी डिस्क्राइब किए हैं, इसको बहुत ही सिंपल कर देता है एंड आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उस PDF को, आपके डॉक्यूमेंट को, ये कितने भी पेज का हो सकता है, ये बस एक एग्जांपल है एंड आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। और देन अगेन आप अपने अकॉर्डिंग उसको पूछ सकते हो कि भाई इस वाले मॉडल का क्या प्राइसिंग होगा एंड लेट से आप एक चैटबॉट बनाते हो अपने कस्टमर के लिए, आपके कस्टमर अगर उसे पूछेंगे कि ये मॉडल का क्या प्राइसिंग है, तो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग वो चैटबॉट जो है वो प्राइसिंग बताएगा। तो अगर गाइस हम सीधी भाषा में बात करें ना, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, लैंगचेन क्या करता है ना, वो हर टूल प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप LLM के टॉप में एप्लीकेशन बना सकते हो एंड बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो जो LLMs के जो भी फीचर्स हैं। जैसे आप चैटबॉट बनाना चाहते हो या कंटेंट समराइजेशन करना चाहते हो या क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, ये जो लैंगचेन है ना, ये आपको हर टूल प्रोवाइड करता है, हर फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका कॉल करके आप बहुत इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। गाइस, इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, chatpdf.com पे जाएंगे एंड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में chatpdf.com काम कैसे करता है। एक बार अगर हम लोग समझ लेना chatpdf.com कैसे काम करता है, तो हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंगचेन हो जाएगा एंड हम लोग समझ पाएंगे कि लैंगचेन का यूज़ करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, chatpdf.com पे चलते हैं। यहाँ पे एक PDF अपलोड करना है एंड हम अपने केस में यहाँ पे इंडिया का विकिपीडिया PDF, यहाँ पे एक PDF हम विकिपीडिया से डाउनलोड किए थे, कोई भी PDF यूज कर सकते हो, इसमें इंडिया का सारा डेटा है, इंडिया के बारे में सब कुछ है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि अच्छा, तो आई थिंक एक बार इसको ना हम इनकॉग्निटो में चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पे काम कर जाना चाहिए क्योंकि लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो PDF है ना, यहाँ पे लोड होगा एंड इससे हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द नेम इंडिया इज डेरिव्ड फ्रॉम द क्लासिकल लैटिन इंडिया। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डेट फ्रॉम, आपको यहाँ पे दिखेगा कि बेसिकली ये सारा डिटेल बताएगा आपको एंड पेज भी बता देगा कि किस पेज पे क्या है। तो जब भी इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन का बात आता है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इस PDF को पूरा कॉपी कर सकते हैं एंड उसको पेस्ट कर सकते हैं ChatGPT में एंड देन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बट इसके साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन ओनली सेंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेक्स्ट टू ChatGPT। तो आप इस तरह का जो PDF है, जो ये जैसे इंडिया वाला था, इसे 68 पेज है, तो बिल्कुल आप इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हो, तो इसे मैक्स टू मैक्स आप 2-3 पेज का कंटेंट भेज सकते हो। तो नेक्स्ट है कि टेक्स्ट मॉडल्स यूजुअली डोंट डू वेल विथ टर्म्स ऑफ टेक्स्ट एंड मोर टेक्स्ट मोर मनी रिक्वायर्ड टू रन द रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली अगर हम लोग API यूज़ करते हैं ChatGPT का और हम लोग इस तरीके से लेट से कि पूरा टेक्स्ट पास कर रहे हैं एंड देन उससे फिर टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन पास कर रहे हैं, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बंच ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा, तो ये इससे आपका ये ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा।
तो ऑब्वियसली ये नॉट एफिशिएंट वे, ये एफिशिएंट वे नहीं है। तो ये एक पॉसिबल केस है जो कि आप सिंपल केस में ऑब्वियसली कर सकते हो। लेट से कि हमको अब इतने टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछना है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एंड ये डाल के हम लोग चैट जीपीटी से आंसर ले सकते हैं। बट अगर हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ये पूरा पीडीएफ इंटीग्रेटेड हो और हम लोग किसी भी टाइम पे कुछ भी पूछ सकते हैं इस पीडीएफ से, तो उसके लिए हम लोग को कुछ अलग सॉल्यूशन सोचना होगा। वहाँ पे फिर सेकेंड पॉसिबल केस आता है एंड ये वाला जो आइडिया है ये प्रॉमिसिंग है। ये जो भी कुछ है इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि अगर हम लोग पीडीएफ अपलोड करते हैं तो एक्सट्रैक्टिंग ऑल टेक्स्ट, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑल टेक्स्ट को। उसके बाद क्या करेंगे कि चंक में बटेगा ये सारा कुछ। लाइक आपने इस पेज का एक्सट्रैक्शन किया तो ये चंक जो होगा, चंक वन, चंक टू एंड चंक थ्री, ये बेसिकली स्मॉल स्मॉल पार्ट में कह सकते हैं ये हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्या होता है कि एक इम्बेडिंग क्रिएशन एल्गोरिथम है, यह है क्या ये हम लोग देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेज इनटू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये वर्ड्स और से सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंसेज है, तो ये सबको ये क्या करता है कि -1 से 1 के बीच में यहाँ पे ये एक एरे ऑफ नंबर होता है। और तो यहाँ पे लेट से चंक वन चंक टू है, तो एल्गोरिथम क्या करेगा यहाँ पे, इम्बेडिंग फॉर चंक वन, इम्बेडिंग फॉर चंक टू। तो ये इस तरीके का कुछ होता है। वेक्टर स्टोर का हम लोग यूज करते हैं। वेक्टर स्टोर बेसिकली कोई भी डेटाबेस, लेट से हम लोग पोस्टग्रेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भी ये चंक्स हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके थ्रू अभी हम लोग उसको चेंज किए हैं एंड देन यहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, यूजर कुछ पूछेगा। बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ से ही है, जो पीडीएफ हम आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं। इम्बेडिंग ऑफ क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे, तो इस ये भी कुछ होगा जो कि -1 to 1 के बीच में होगा। तो कंपेयर करेंगे जो भी वेक्टर के अंदर में स्टोर्ड है चंक्स उसके साथ इस इम्बेडिंग को, एंड देन देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किसके साथ है, किसके साथ मैच कर रहा है, देन उसको हम लोग क्या करेंगे मैच कर देंगे। और लेट से इस केस में ये चंक टू के साथ मैच किया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि इस प्रॉम्प्ट को जो अपना प्रॉम्प्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, चंक टू और क्वेश्चन, और ये लास्ट हम लोग पास करेंगे चैट जीपीटी को। इसमें जो भी स्टेप इन्वॉल्व्स हैं वो यही है कि अपलोडिंग ए पीडीएफ, देन ओपनिंग पीडीएफ फाइल्स, पार्सिंग टेक्स्ट, ब्रेकिंग इनटू चंक्स, इम्बेडिंग, स्टोरिंग इनटू डेटाबेस, एनालाइजिंग द क्वेश्चन, फाइंडिंग द मोस्ट रिलेवेंट चंक्स, सेंडिंग चैट जीपीटी, लाइक सेंडिंग क्वेश्चन टू चैट जीपीटी आफ्टर फॉर्मेटिंग इट। तो अगर आप देखोगे ना इसमें बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये, मतलब जो भी आंसर हम लोग लास्ट में लेना होता है पीडीएफ से। तो लेकिन लैंगचिल क्या करता है ना, ये सारे स्टेप को बहुत ही इजीली, आप जस्ट सिंपल सिंपल फंक्शन कॉल करके ये काम कर सकते हो एंड आपको कोई फील नहीं होगा कि आप इतना टफ काम। और अगर आप इसको करने जाओगे, लेट से आप इसको स्क्रैच से करने जा रहे हो, किसी एक भी स्टेप को करने जाओगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है। तो होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके गाइस, सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय गाइस।